मिट गई मामा भांजे की दूरियां। मामा गोविंदा का हाल चाल जानने पहुंचे भांजे कृष्णा। 7 साल के बाद गोविंदा के घर में कृष्णा ने रखे कदम, तो क्या गोविंदा की फैमिली में बरसों से चला आ रहा कलेश फाइनली हो गया है खत्म। जी हाँ, अपनों का प्यार और खुशियों की सौगात से भरपूर दिवाली का त्योहार आ रहा है, तो इसी फेस्टिव सीजन में आई है गोविंदा के घर से भी धमाकेदार खुशखबरी। आखिर 7 साल बाद गोविंदा के भांजे कृष्णाभिषेक का वनवास और मामा भांजे के दिलों में आई दूरियां दोनों ही एक साथ खत्म जो हो गए हैं, तो है ना दिवाली की मिठाई से भी ज्यादा मीठी खुशखबरी, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद कृष्णाभिषेक ने अपने चाहने वालों के साथ शेयर किया है। अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में कृष्णा ने रिवील किया है कि वो मामा गोविंदा का हाल चाल जानने के लिए हाल ही में उनके घर गए थे। पूरे 7 साल बाद मामा के घर जाना कई खट्टी मीठी यादों को ताजा कर गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि इसी महीने की शुरुआत यानी कि 1 अक्टूबर को गोविंदा अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से घायल हो गए थे। गोविंदा से गलती से मिसफायर हो गया था और उनके पैर में गोली लग गई थी। जिस वक्त गोविंदा गोली के शिकार हुए तब कृष्णा मुंबई से मीलों दूर ऑस्ट्रेलिया में थे। ऐसे में वो चाहकर भी मामा के पास नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आते ही कृष्णा सबसे पहले मामा गोविंदा से मिलने पहुंचे। 7 साल बाद हुई मामा भांजे की इस मुलाकात के बारे में बताते हुए कृष्णा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जैसे ही मैं इंडिया लौटा, मैं 7 साल में पहली बार मामा से मिलने उनके घर गया। ऐसा लगा मानो मैंने आधा वनवास पूरा कर लिया, वो ठीक हो रही। मैंने उनके साथ लगभग 1 घंटा बिताया और 7 साल बाद नमो से मिला। ये इतना इमोशनल मोमेंट था, मैंने बस उन्हें गले लगाया। मुझे खुशी है कि अतीत का कोई जिक्र नहीं था। अपने इंटरव्यू में कृष्णा ने यह भी बताया कि वो लगभग 1 घंटे तक गोविंदा के घर रुके। इस दौरान दोनों ने कई पुरानी यादों को ताजा किया। इस बारे में बताते हुए कृष्णा ने कहा कि हम हंसे, मजाक किया और पुराने दिनों को याद किया। बिल्कुल पहले जैसा ही महसूस हुआ। वो सभी पल साल जो मैंने मामा और मामी के साथ उनके घर में बिताए थे मेरी आंखों के सामने घूम गए। मैंने मामा को बोला कि हॉल तो पूरा बदल गया है, अब सब इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं, सब गिले शिकवे दूर हो गए हैं। भले ही गोविंदा ने अपने घर में भांजे का हंसी खुशी वेलकम किया हो, अतीत में हुई कड़वी बातों को भुला दिया हो, लेकिन ये खुशी फिर भी अधूरी रह गई क्योंकि मामी सुनीता कृष्णा से नहीं मिली। कृष्णा ने कहा कि मुझे खुशी है कि अतीत का कोई जिक्र नहीं था और परिवार ऐसे ही होते हैं, गलतफहमियां हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज हमें लंबे समय तक अलग नहीं रख सकती। मैं मामी से नहीं मिल सका क्योंकि वो बिजी थी, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं उनका सामना करने से थोड़ा डर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे डांटेंगी। पर आपसे ना समझी में कुछ गलती हो जाए तो बड़ों की डांट सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बता दे कि गोविंदा के पैर में गोली लगने की खबर सुन कृष्णा की बीवी कश्मीरा भी खुद को रोक नहीं पाई थी। हादसे के दिन कश्मीरा मामा ससुर का हाल चाल जानने के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंची थी। इससे पहले गोविंदा भांजी आरती सिंह की शादी में बेटे यशवर्धन के साथ शरीक हुए थे और अब गोविंदा का हाल चाल जानने के लिए कृष्णा मामा के घर पहुंच गए। ये देखकर कहा जा सकता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन गोविंदा और कृष्णा के परिवार के बीच नाराजगी की बर्फ पिघल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।